बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। और सबसे पहले सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम आए थे यहाँ पर छत्तीस एसपी, वो हमारा रिश्तेदार ही है, लेकिन वहाँ पर उसके चोट लगी थी तो आए, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो बाहर आए हुए थे क्योंकि आपको पता है हम जो हैं वो पेंडू लोग, वो फिर घूमने फिरने का शौक तो रखते ही हैं, तो घर में तो बैठा जाता नहीं है। और वैसे भी फिर मतलब मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है किसी के साथ, तो फिर इसलिए हम आए हुए थे। यार सॉरी, मुझे चश्मे का याद नहीं रहा। तो आए हुए थे, मैंने देखा यहाँ पर जो है फूलों का बाग हुआ लगा हुआ, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं। और ट्यूबवेल है पीछे, वो बड़ा लग रहा है मुझे, हम उसको भी देख आते हैं। पहले ये देख ले, ये उड़ रहे हैं परिंदे, जिसे हम ये हम छोटे होते हम तो से कहते थे जहाज, ये होते हैं छोटे छोटे से। और ये देखें फूलों का बाग है ये सारा। अंदर तो नहीं मैं जाऊँगा, पता नहीं किसका है। फिर ऐसे ही फ़ायदा किसी गांव में अगर ऐसे ऐसे बाहर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये फूल लगे हुए हैं, काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन सेंटर में है। और मदसर मेरे साथ ही आया, आ जाओ मदसर। ये देखें जी 14 अगस्त तो रिबा की है, रिबा 14 अगस्त है ना आज। मुंह से निकालो भाई। ओ जी बच्चे तैयार हो रहे हैं, मैं उन्हें छोड़कर, मेहमानों को मैं छोड़कर आया हूँ अभी। तो मैंने सोचा आप यहीं पे बैठे, मैं तो भाई घर जाके 14 अगस्त मनाता हूँ अपनी, तो शाम को आपको ले जाऊँगा, तो शाम को ले आऊँगा वापस। तो घर आया हूँ, बच्चे तैयार हो रहे हैं, सारे बच्चे कह रहे हैं हमारी भी वीडियो बनाना, हमारी भी वीडियो बनाना। तो मैंने कहा अभी जो आप जो है वो रेडी हो जाएं तो फिर बनाते हैं वीडियो। तो पहले तो हमारा इधर जुलूस भी गुजरता था 14 अगस्त का, तो अगर आज भी गुजरा तो हम शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो और आपको भी दिखाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि गुजरेगा। और इस बार मैंने डेकोरेशन भी नहीं की, झंडा तो मेरे ख्याल में पड़ा हुआ, वो मैंने बस लगाया ही नहीं है, बस लगाते लगाते रह गए हैं। वो जो है बांस वो नहीं मिला कोई, तो झंडियाँ नहीं लगाई मैंने खुद ही। उसकी वजह कुछ ये थी कि हवा चलती है तो फिर वो नीचे गिरते हैं, तो इस तरह फिर वो आपको पता है झंडे की बेरहमती होती है, और रात को फिर वो लगी रहती है अंधेरे में, तो ये भी गलत बात है। और जो लोग झंडा लगाते हैं उन्हें चाहिए कि रात को उतार दें, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी बड़े मकामात हैं जहाँ पर झंडा लगाया जाता है उन्हें रात को या तो वहाँ पर लाइटिंग की जाती है और या फिर उन्हें उतार दिया जाता है, आपको ये सबको ये बात पता है। तो फिर इसलिए मैंने जो है झंडियाँ नहीं लगाई कि वो नीचे गिरती हैं। फिर वैसे हम पाकिस्तान का मोहब्बत और एहतराम जो है बिल्कुल दिल से करते हैं जी। तो और कैद आज़म का वो अल्लाह ताला ने जन्नत में आला मकाम दे जिन्होंने हमें ये आला जो है वतन दिया है। ये देखें जी हमारी 14 अगस्त, ये दिखाओ ना सारा कुछ दिखाओ। वाह क्या कहोगी फिर सबको, क्या कहोगी सबको ये देख रहे हैं तुम्हें आपके फैन। 14 अगस्त मुबारक नहीं बोलोगे उन्हें, जश्न आजादी मुबारक, तो बोलो फिर जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान किसने बनाया था, आजम कह दिया आजम ने, शाबाश। रो जी लो तो सही से लगाओ, लगा लो जी। बच्चे आ गए हैं, ओ बाहर आ जाओ। ये सादिया भी बीबी तैयार होके आ गई हैं, दिखाओ जरा अपनी ज्वेलरी तो दिखाओ। ऐशन नहीं पहना, ऐशन ही लगाए हैं जी। कौन सा दिन है आप सबका आज, क्या दिन है, किस लिए तैयार हुए हो? मुझे बताओ उसे क्यों बता रहे, उसे तो पता है तहरीम को सारा पता है, बताओ क्यों मनाते हैं 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? पाकिस्तान की वजह से नहीं, पाकिस्तान बना इस वजह से। पाकिस्तान किसने बनाया था? तहरीम के बन गया है,
सारी के बन गया और ऐशा के रह गया बस। जी सबके मुंह पर बन गए हैं, इधर है ये मैंने अभी भी बनाया है फ्लैग, और ये तो इसने तो सारा खराब कर दिया। जी सारी जो है टीम तैयार हो गई है, क्या हुआ मुंह क्यों खुला हुआ? तो हमारी तरफ से आप सबको जश्न आजादी मुबारक। तो बताओ फिर आज क्या क्या खाना आपने? 14 अगस्त है ना, कुछ खाओगे भी नहीं? क्या खाओगे? बर्गर। बर्गर तो रात को मिलते हैं। तुम? वो भी रात को मिलता है। और चावल। क्या? चावल। चावल जी, हमारे घर के बाहर चावल लगे हुए हैं तो वो इसलिए। अच्छा आपको कितने कितने पैसे मिले हैं? 30-30। पाकिस्तान। कहाँ पर पाकिस्तान? क्या लगा हुआ? पाकिस्तान। किसने कहा? तुम्हें पता है? मुहर्रम है तो फिर मीठा पानी आपको पता बांट रहा होता है, वो उसके लिए जा रहे हैं नींबू लेने और बर्फ लेने। बर्फ़ तो यहाँ से मिल जाती है तो नींबू लेने मैं जाता हूँ। ये बर्फ़ जो है घर ले जाना, के यहाँ से कुछ चीज़ ले आओ, कपड़ा वगैरह ले आओ। ये पाओ नींबू है, बर्फ़ भी आ गई, नींबू भी आ गए हैं, बर्फ़ भी आ गई है। चलो ले जाओ। ये मेरे लिए तहरीम लेकर आई है, पैसे पता नहीं किससे लेकर आई है, मम्मा से लेकर आई है, पापा से लेकर आई है, और मैंने उसे कहा भी नहीं है, बेवकूफ। कहाँ गई वो? इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। किसने कहा था ये चावल लेके आओ? क्या खवाएंगे? चावल। चलो खाओ, पहले तुम भी खाओ। ओ नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ये मुंह क्यों ऐसे बना रही हो? आज सारा पानी है जो माशाल्लाह बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, 10-20 मिनट में काफ़ी लोग आए थे पीने के लिए तो फिर ख़त्म हो गया। जी इमाम अल्लाह साहब भी आ गए, अभी सोकर उठे तो मूड ख़राब है थोड़ा सा। मान लो, हेलो हेलो सर। चलो अपनी फ़ोटो खींच लो, खींच लो अपनी फ़ोटो, खींचो अपनी फ़ोटो, लो जाओ। तुमने वीडियो बंद कर दी, देखो वहां से नहीं पिक्चर लेते, यहां से लेते हैं। ये मदसर आया, इसने देखे थे ऐशा शादी के, और अब ये कह रहा है मेरे मुंह पर बनाओ। वैसे मुंह तो इसका चपेड़े खाने वाला, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। बना दिया, हाफ बना दिया, हाफ रह गया बस। हरा बनाया, अभी वाइट रहता है, वाइट ही सजा। ये देखो यार दाग लग गया ये, और ये उतरता भी नहीं है, परमानेंट कलर है। अब मुझे गालियाँ पड़ेंगी, मदरसन ने जो करना था वो तो कर लिया है। ए गधे, दिखा इधर,
ये कंप्लीट हो गया, बस इसमें चांस तारा रहता है, अभी वो बनाता हूँ मैं। जी देख लें, हो गया कंप्लीट इसका चांस तारा। चलो भागो भैया। तो मेहमान आ गए वापस, उन्हें ले आया हूँ मैं अभी। मैंने अमदसर को, अमदसर भी साथ गया, उसे भी लेकर आया हूँ अभी मैं। तो अब मेहमान बाहर बैठे हुए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा फिर तो। लेकिन आज का जो ब्लॉग था फिर मुझे यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।